ओम शांति। देखें स्वयं को, इस देह रूपी वस्त्र में विराजमान चैतन्य शक्ति अनुरिनु से भी सूक्ष्म दिव्य बिंदु रूप ज्योति स्वरूप चैतन्य शक्ति आत्मा को मैं आत्मा हूं। परमपिता परमात्मा जो सर्व गुणों के सागर सर्वशक्तिवान है, सर्वज्ञ है, मैं अपने प्यारे शिव बाबा के श्रेष्ठ संतान हूं। सिखिलदा बच्चा हूं। उनकी श्रेष्ठ रचना हूं। मैं आत्मा हूं। देह में होते हुए भी देह के सर्व प्रकार के बंधनों से मुक्त हूं। मैं आत्मा हूं। जैसे कीचड़ में कमल होता है, उसी प्रकार इस देह में होते हुए भी मैं आत्मा इस देह के बंधन से प्रभाव से आकर्षण से मुक्त हूं। मैं आत्मा हूं। बार बार स्वयं को स्मृति दिलाए, यह आत्मिक स्मृति ही श्रेष्ठ स्मृति है। बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे निरंतर स्वयं को आत्मा देखने का अभ्यास करते रहें। आत्मा अभिमानी आत्मा ही परमात्मा अभिमानी बन सकती है। जब तक आत्मा अवस्था में स्थित नहीं हो जाते,
बाबा से सर्व प्रकार की प्राप्तियों को अनुभव नहीं कर पाते। इस ईश्वरीय जीवन का मुख्य फाउंडेशन है ही स्वयं को आत्मा समझना, उस अवस्था में स्थित होना। हरेक को आत्मिक स्वरूप में देखना, यह आत्मिक दृष्टि है सारे सृष्टि का परिवर्तन करने वाली है। देख रहा हूं मैं स्वयं को अपने दिव्य सितारे स्वरूप को चमकता हुआ, अपनी रोशनी को फैलाता हुआ रुकुड़ी तख्त पर विराजमान हूं। मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा शिव बाबा की संतान मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं। मैं शिव शक्ति हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं। देख रहा हूं मैं अपने दिव्य स्वरूप को सर्वशक्तियों के प्रकंपन निरंतर मुझसे प्रवाहित हो रहे हैं। संपूर्ण देह में फैल रहे हैं और मेरे चारों ओर एक सुरक्षा का सर्वशक्तियों का आपा मंडल बन रहा है। मेरे चारों ओर परमात्मा शक्तियों का आपा मंडल बन गया है। इस प्रकाश के लिए हमें विराजमान में डबल लाइट फरिश्ता हूं।
वर्तमान समय जहां चारों ओर इस कलयुग के अंतिम समय पर अज्ञान का अंधकार फैला हुआ है। हर एक आत्मा अपने आत्मिक स्वरूप को भूली हुई है और साथ ही साथ अपने घर और अपने पिता को भी। इसलिए आज अपने जीवन में अनेकानेक दुखों का सामना कर रही है। आत्माएं देह अभिमानी होने से सारे विषय विकार रूपी राक्षस आत्माओं के जीवन में प्रवेश किए हुए हैं। और इन विकारों रूपी राक्षसों ने मनुष्य आत्माओं का जीवन नरक में बना दिया है। मैं डबल लाइट फरिश्ता इस साकार देह को छोड़ चलता हूं ऊपर की ओर, छत को क्रॉस करते हुए आसमान में और ऊपर से सारे संसार को देख रहा हूं। चारों ओर कितना दुख है, शारीरिक व्याधियां, मानसिक समस्याएं, निर्धनता, भेदभाव, हिंसा, पारिवारिक झगड़े, धार्मिक झगड़े, कितनी न समस्याएं हैं सारे संसार में। ऐसे दुख में वातावरण में संसार की सर्व आत्माएं अपने प्यारे पिता को पुकार रही हैं। मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारे, गिरजाघरों में सभी जगह आत्माएं अपने पिता का आवाहन कर रही है। और आत्माओं की करुणामयी पुकार सारे संसार में गूंज रही है। यह पुकार परमधाम तक भी पहुंच रही है। और मैं देख रहा हूं प्यारे शिव बाबा परमधाम से नीचे सूक्ष्म वतन में
बाबा ब्रह्मा के सूक्ष्म तन में प्रवेश करते हैं, रुकुटी तख्त पर विराजमान हो जाते हैं। मैं सूक्ष्म वतन में प्यारे बाप दादा को देख रहा हूं। डबल लाइट फरिश्ते रूप में मैं चैतन्य फरिश्ता अपनी रोशनी को फैलाते हुए चलता हूं मैं ऊपर सूक्ष्म वतन की ओर। बादलों को क्रॉस करते हुए साकार वतन के ऊपर चांद तारों को भी क्रॉस करते हुए मैं आत्मा सूक्ष्म वतन में प्यारे बाप दादा के सम्मुख विराजमान हो जाता हूं, हो जाती हूं। प्यारे बाप दादा निरंतर मुझे देख रहे हैं। वतन में मेरा स्वागत कर रहे हैं। प्यारे बाप दादा के मस्तिष्क और नैनों से निरंतर स्नेह और शक्तियों का प्रवाह मुझ पर बरस रहा है। प्यारे बाप दादा के स्नेह और प्रेम में मैं समाता जा रहा हूं। बाप दादा के नैनों से शक्ति स्वरूप बाप दादा का सूक्ष्म शक्ति स्वरूप माता कंद माता के रूप में निकलकर मुझ आत्मा में समाता जा रहा है। चतुर्भुज मां स्कंद माता के रूप में यह सूक्ष्म शक्तिशाली स्वरूप मुझ आत्मा में विराजमान होता है। मैं स्वयं को
शिव शक्ति स्कंद माता के रूप में देख रहा हूं। सूक्ष्म वतन में प्यारे बाप दादा संसार की आत्माओं के कल्याण के हेतु सर्व आत्माओं को दुखों से मुक्त कराने हेतु मेरा निर्माण हुआ है। मैं चतुर्भुज शिव शक्ति स्वरूप में स्वयं को देख रहा हूं। पवित्रता के सूर्य प्यारे बाप दादा के नैनों से पवित्रता का दिव्य प्रकाश निकल रहा है। और पवित्रता का दिव्य प्रकाश सूक्ष्म शेर के रूप में मुझ आत्मा का वाहन बन रहा है। संपूर्ण पवित्रता को धारण किए हुए मैं शिव शक्ति हूं। पवित्रता का दिव्य प्रतीक कमल मेरे हाथों में विराजमान है। संपूर्ण पवित्रता को धारण किए हुए मैं शिव शक्ति हूं। जैसे प्यारे बाप दादा का अपने बच्चों से बेहद का प्यार है, जैसे संसार के आत्माओं की पुकार सुनकर अपने बच्चों की पुकार सुनकर बाप दादा संसार में अवतरित होते हैं, मैं आत्मा शिव शक्ति मास्टर शिव संसार की आत्माएं उन्हें भी मैं बच्चों के रूप में देख रहा हूं, देख रही हूं। मुझे आत्मा का भी संसार की सर्व आत्माओं से बेहद का स्नेह है। संसार के सर्व आत्माओं की पुकार सूक्ष्म वतन तक पहुंच रही है, मेरे कानों में गूंज रही है। और मैं शिव शक्ति अपने सूक्ष्म प्रकाश में काया के साथ अपने चतुर्भुज स्वरूप के साथ जहां प्यारे बाप दादा ने सर्वशक्तियों से मुझे भरपूर कर दिया है, संसार की आत्माओं का उद्धार करने हेतु ज्ञान रत्नों से अनेक दिव्य अलंकारों से मेरा श्रृंगार किया है। मैं दिव्य अलंकारों से सजी हुई मूरत
चैतन्य शुभ शक्ति आत्मा सूक्ष्म वतन को छोड़ चलते हूँ साकार वतन की ओर। चांद तारों से पार सूक्ष्म वतन से धीरे धीरे मैं आत्मा मैं शिव शक्ति साकार वतन में अवतरित हो रही हूँ। विश्व ग्लोब के ऊपर विराजमान मैं चैतन्य फरिश्ते रूप में स्वयं को देख रहा हूँ देख रही हूँ। संसार के सर्व आत्माएं मेरे दिव्य स्वरूप का आवाहन कर रही हैं। मुझे शिव शक्ति को माता के रूप में पुकार रही हैं। और मैं शिव शक्ति अपने अनेकानेक सूक्ष्म स्वरूपों का निर्माण कर रही हूँ। एक रूप से अनेक रूप निर्माण हो रहे हैं। और विश्व के कोने कोने में सिद्ध होते जा रहे हैं। जहां जहां भी आत्माएं दुखी है जहां जहां मंदिर मस्जिद या प्रार्थना घरों में मुझे पुकारा जा रहा है उन सभी स्थलों पर मैं शिव शक्ति अपने सूक्ष्म रूप में स्थित हो जाती हूँ। मेरे लाखों स्वरूप सारे विश्व में फैल गए हैं। और सभी सूक्ष्म स्वरूपों को मुझ आत्मा से निरंतर सर्व शक्तियों का प्रवाह प्राप्त हो रहा है। प्यारे बाप दादा वतन से निरंतर मुझ पर अपनी सर्व शक्तियों की गुणों और वरदानों की वर्षा कर रहे हैं। और मेरे द्वारा विश्व में फैले हुए मेरे सूक्ष्म स्वरूपों को प्राप्त हो रही है।
जैसे आसमान में सितारे चमकते हैं, वैसे ही मेरे इस स्वरूप साकार वतन में सितारों के रूप में चमक रहे हैं। संसार की सर्व आत्माओं को मेरे इन दिव्य स्वरूपों का साक्षात्कार हो रहा है और आत्माएं संपूर्ण रीति से इन दिव्य स्वरूपों के सम्मुख समर्पित हो रही है। उनके नैनों से प्रेम की धारा बह रही है। और मुझे आत्मा से भी अनंत स्नेह और प्रेम की किरणें आत्मा रूपी बच्चों को प्राप्त हो रही है। निराशा हताशा में पड़ी हुई सभी आत्माएं दुखी निराश आत्माएं मेरे दिव्य स्वरूप का साक्षात्कार करते ही आनंद से भरपूर हो गई है, खुशी से, शक्ति से, सुख शांति से भरपूर हो गई है। आत्माओं के जीवन के सारे कलह क्लेश समाप्त हो गए हैं। मैं शिव शक्ति देख रहे हूं। हर एक मनुष्य आत्माओं के अंदर विराजमान विकार रूपी राक्षस मेरी पवित्रता की रोशनी से, अग्नि से जलकर भस्म हो रहे हैं। सारा संसार, प्रकृति का कण कण, हर एक मनुष्य आत्मा इन विकारों रूपी राक्षसों से संपूर्णतः मुक्त हो गया है, मुक्त हो गए हैं। कुछ पल के लिए संपूर्ण एकाग्र होकर अपने दिव्य चतुर्भुज शिव शक्ति स्वरूप में देखते हुए चारों ओर की आत्माओं को सकाश दे, उन्हें परमात्मा अवतरण का संदेश दे। उन्हें बाबा का परिचय दे, अगले 5 मिनट बिल्कुल एकाग्र होकर संसार के सर्वात्माओं को शिव संदेश सुनाएं और अनुभव करना कि सभी आत्माएं
विश्व भर में फैले हुए बाबा के सेवा केंद्र पर पहुंच रही है। संपूर्ण रीति से परमात्मा सेवा में, परमात्मा कार्य में सहयोगी बन रही है। अगले 5 मिनट संपूर्ण एकाग्र होकर इस दृश्य को देखें। मैं साक्षात्कार मूर्त शिव शक्ति आत्मा अपने सर्व बच्चों को, आत्मरूपी भक्तों को बाप दादा से मिला रहे हूं। और सर्व आत्माएं अपने अपने सूक्ष्म प्रकाश में चैतन्य निराकार स्वरूप को प्राप्त हो रही है। उनकी सर्व प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो गई और संसार की सर्व आत्माएं संपूर्ण संतुष्ट हो गई है। उन्हें स्वयं प्रति या अन्य आत्माओं के प्रति अब कोई भी कंप्लेंट नहीं। आत्माएं संपूर्ण संतुष्ट है।
और मैं देख रहा हूं कि संसार की सर्व आत्माएं अपने ओरिजिनल स्वरूप को प्राप्त कर अपने दिव्य चैतन्य स्वरूप में स्थित होकर अपने घर परमधाम की ओर जा रही है। लाल सुनहरे प्रकाश की दुनिया में पहुंचती है। और परमधाम का चक्कर लगाकर वापस साकार वतन में अपनी अपनी देह में प्रवेश करती है। मैं देख रहा हूं चारों ओर देही अभिमानी आत्माएं हैं। आत्माएं संपूर्ण स्वयं के स्वरूप का साक्षात्कार कर रही है। हर एक आत्मा आत्माभिमानी अवस्था में स्थित है। सर्व प्रकार के आकर्षण से मुक्त है। शरीर में होते हुए भी शरीर के सर्व प्रकार के प्रभाव से बंधनों से मुक्त है। और निरंतर अतीन्द्रिय सुख और आनंद का अनुभव कर रही है। मैं शिव शक्ति आत्मा अपने दिव्य कर्तव्य को पूर्ण कर अपने सभी सूक्ष्म स्वरूपों को आत्माओं के जीवन में स्थित कराते हुए निरंतर उन्हें सर्व शक्तियों का बल देने के लिए स्थित कराते हुए मैं शिव शक्ति वापस सूक्ष्म वतन की ओर चलते हूं। मैं सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सम्मुख विराजमान हूं। बाबा मेरे गले में विजय माला पहना रहे हैं, स्नेह की माला, प्रेम की माला पहना रहे हैं। और मैं धीरे धीरे बाप दादा में समाता जा रहा हूं। सूक्ष्म वतन में बाप दादा की भ्रुकुटी के तख्त पर विराजमान हूं।
मैं मास्टर शिव शिव शक्ति हूं। शुक्रिया प्यारे बाप दादा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।